ओके सो आज हमें एकदम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ना है। सो दैट टॉपिक इज नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, लाइक द सेल एंड बैटरीज। वो एकदम आइसोलेटेड टॉपिक है, बट आपको एक बार रिवाइज कर लेना है वो टॉपिक, बेटर रहेगा सबके लिए। ओके सो हमें आज स्टडी करना है किरचॉफ्स लॉ। सर, इस टॉपिक में यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेटिक। किरचॉफ्स लॉ के बाद इट विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ओके सर। नॉट देन आफ्टर दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यस सर। ओके सो इन किरचॉफ्स लॉ देयर आर टू लॉज ऑफ किरचॉफ्स, लेट्स स्टेट देम। सो फर्स्ट लॉ, सो देयर आर सर्टेन डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर दीज लॉज। सो दोज नेम आर बेस्ड ऑन देयर यूज एंड प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ इज यूज व्हेन देयर आर मल्टीपल वायर्स। सपोज देयर इज अ सिंगल वायर एंड देन इफ अ करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस वायर, लेट्स से आई वन, देन सपोज एट दिस पॉइंट इट स्प्लिट्स इन टू टू पार्ट्स, लेट्स से दिस वन इज आई टू एंड दिस वन इज आई थ्री। ओके सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। सपोज अ सिंगल वायर इज गोइंग एंड यू मेक अ पॉइंट एंड स्टिल द सेम वायर इज गोइंग, सो यू वॉन्ट कॉल इट अ जंक्शन। ओके Why? Because junction में at least there should be a diversion. So in junction there should be at least one diversion. There can be many divergences, not a problem, but at least one diversion should be there. So इसको junction नहीं बोलेंगे. This is not junction, but this one will be a junction. So this point we refer it as a junction. So basically this law is a common sense. You can say based on common sense also you can use, but we named this Kirchhoff's first law as junction law. So we name it as junction law because it is valid at junction. So we call it as junction law. Also, because it is totally related to the flow of current, we also call it current law. Okay. The third one, it is based on certain parameters. Ki matlab logic kya hai? Why is this law approved? How it is approved? So it is based on conservation of charge. अच्छा, based on conservation of charge का meaning ये है कि अगर let's say ये एक point है और इसमें कहीं से यहाँ से charge आया, let's say 20 कूलम charge आया, so इसका मतलब ये है कि charge destroy नहीं हो सकता, there must be 20 कूलाम चार्ज इन आउटसाइड आल्सो। सो सपोज दो वायर से और एक वायर में 16 कूलाम चार्ज है, डेफिनेटली इस वायर में कितना कूलाम चार्ज होगा? 4 कूलाम चार्ज होगा कमिंग आउटसाइड। ओके बट व्हाट इफ आई से दैट 4 कूलाम चार्ज इज कमिंग इनसाइड, सो इट मींस 20 इज कमिंग इनसाइड, 24 कूलाम चार्ज शुड गो आउटसाइड। या देन द 24 कूलाम चार्ज शुड गो आउटसाइड। सो दैट इज द होल लॉजिक ऑफ दिस। It is based on a charge conservation. So how we state this law? That at any junction, the input current, the inflow current and the outflow current should be constant or equal. So I'll write exactly. The rule is I in is equal to I out. ये हम इस तरीके से use करते हैं that inside current should be outside current, but जो लॉ है, मतलब अगर हम बोले कि स्टेट द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सो यू कैन नॉट जस्ट स्टेट लाइक इन करंट एंड आउट करंट ऑन सेम। द स्टेटमेंट इज रिटन लाइक द करंट एट एनी जंक्शन, सॉरी द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन, currents at any junction is zero. ये statement है। So algebraic summation का मतलब ये है कि अगर मैं सारे type के currents को add करूँ, so answer क्या आना चाहिए? Zero आना चाहिए at any junction. अभी thought क्या है कि algebraic summation का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, I suppose in है, जो current अंदर आ रही है उसको let's say positive बोल दिया, और जो current बाहर जा रही है out हो रही है उसको बोल दिया negative. सो यार इन और आउट दोनों नेगेटिव पॉजिटिव मिला के आंसर जीरो हो ही जाएंगे, तो वहां से हम एक्चुअली ये निकालते हैं दैट आई इन इट इज पॉजिटिव
ओके प्लस एल्जेब्रिक समीशन मतलब विद साइन, सो आई आउट क्या होता है वो नेगेटिव होता है, वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, सो ऑफ कोर्स द रिजल्ट विल बी इनपुट करंट शुड बी इक्वल टू आउटपुट करंट. सो बेसिकली व्हाइल सॉल्विंग वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन एंड आउट, वी डोंट से लाइक द स्टेटमेंट द एल्जेब्रिक समीशन ऑफ ऑल द करंट विल बी जीरो, बट द स्टेटमेंट इज दिस वन द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करंट इज जीरो, जिसमें से हमने आने वाले को प्लस और जाने वाले को माइनस बोल दिया, तो ये सिचुएशन हो जाएगी. तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल में बात करूँ, सो आई वन हो जाएगा पॉजिटिव और आई टू और आई थ्री क्या होगा नेगेटिव, टोटल समेशन क्या आएगा जीरो. सो आई कैन राइट आई वन इज कमिंग इसलिए प्लस, आई टू इज नेगेटिव, आई थ्री इज नेगेटिव एंड द आंसर शुड कम जीरो. सो इट मीन्स नथिंग बट I1 is equal to I2 plus I3. That's what we think of, that I1 is in and I2, I3 are out. So we can just use in this pattern. So बहुत ही simple law है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा problem नहीं है. Just name आपको याद रखना. It is called junction law, current law, and it is based on the charge conservation. यार clear है ये? किसी को खर्चा first law में कोई doubt है क्या? We'll see some example also. So let's see some examples, some basic one. We will start with some basic ones. No need to answer. I'll ask to some students. Only they will answer. Suppose there are some multiple wires. Okay. Suppose you have been given currents in these wires, these different wires, the current is given in these different wires, the amount of current. So now the question is, what is the current in this, let's say one, and this number two wire? You need to find the current in these two wires. Okay, so how we use, we just use a common sense only. So let's discuss it. Amit Raj, can you discuss this? Yeah, Amit Raj, can you discuss? Okay. Ishan, can you discuss how we will find the current in this one wire and this two wire? Okay, Harshvardhan? Yes, sir. Yeah, can you explain how we'll use the concept? Yeah. Sir, so 2 ampere current is coming in, yes, and then 5 ampere is going out. Yes. So definitely there will be 3 ampere current coming in. Yeah, for the equation law to be correct. So that is the logic. We have 2 ampere air coming in, 5 ampere coming out. That means 3 ampere current must come in. Okay, so this was for the junction one. This was for the junction one. Okay, Manav, can you explain for the junction two? Sir, the five is coming in, five. Yes, good. Ampere. Then four will go out to give. Okay, so there is one going outside. So five is coming in, but only one is going out. That means there must go four ampere of current outside of this junction. Okay, so आंसर इन दिस वायर विल बी 4 एम्पियर. वेरी गुड. सो इस तरीके से यार बहुत ही कॉमन सेंस के पैटर्न से हम चेक कर सकते हैं कि किस वायर में कितनी करंट होगी, कैसे कर सकते हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. ओके, सो आई विल गिव वन मोर एग्जांपल. लेट्स सी एंड आई विल आस्क टू स्टूडेंट्स ओनली. बाय द वे, इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Does anyone has doubt in this question? No, sir. Okay, so we'll see the next one then.
Okay, so now we need to discuss the current in all the wires. So I'll draw the same figure again, and we'll just see the current in each wire. I'll ask one by one. Okay, so these with the black one are given. ये हमें given है 2 ampere है. This one is 8 ampere. This one is 6 ampere. This one is 4 ampere. And this is coming down as 5 ampere. Okay, अभी solve कर लेते हैं. So बहुत ही simple है. पीछे जैसे हमने solve किया हुआ है वैसे करेंगे. तो सबसे पहले wiring कर देते हैं. ये number one, ये number two, ये number three. So it is 1, 2, 3, 4, and 5. So we need the current in all these 5 wires. Okay, so let's start. Okay, so Omkar, can you answer? Pranjal, can you answer the first one? Pranjal, three ampere, sir. Okay, in which one? First one, 3 ampere. Ha, sir. Not correct. How you sir. Came to that? 2 ampere. Yeah, it should be 2 ampere, na. Let's see. At this junction, the first one, 3 is coming in, 5 is going out. That means 2 is lagging, na. So the 2 must come towards the junction, so 2 ampere will be there. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so 2 ampere must come inside this. Now for the second one. Second one, because 2 ampere is coming in, 2 ampere is coming out. That means there is no current in the third wire. Zero. It will be zero. Yeah, it will be zero. Now. 8 एम्पियर इसका यहाँ पे नहीं बता सकते बिकॉज वी हैव ओनली वन आंसर जीरो. 3 एंड 4 टू आर अननोन सो वी कैन नॉट फाइंड 2 सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट जंक्शन दिस वन. 8 इज कमिंग इन, 6 इज गोइंग आउट, देन हाउ मच शुड बी देयर? 2 इज गोइंग आउट. 2 एम्पियर मस्ट गो आउट ऑफ दिस जंक्शन. नाउ फॉर दिस जंक्शन 2 इज कमिंग इन, दिस वन इज जीरो, दैट मींस 2 मस्ट कम, 2 मस्ट गो आउटसाइड. सो 2 एम्पियर विल बी मूविंग आउटसाइड इन दिस. Clear? Yes. Now, the last one, fifth one, इस पे कितना हो जाएगा? 7. 7. Yes, 6 is coming in, 5 is coming in. That means total in is 11. 11 में 4 just out जा रहा है. So how much out is still remains? 7 ampere. 7. Okay. So I think it's not a big problem. Kirchhoff's first law. Is there any doubt still? No, sir. No, okay. No. Okay, then good. Then we'll move to the next second law. Okay, so let's see second law. Okay, second law is a bit complicated actually. तो second law को थोड़ा सा हम properly देख लेते हैं. कब काम करता है, कैसे काम करता है. जैसे first law हमने बताया कि कब काम करता है, at any junction. So similarly, second law is used when there is a closed circuit. Remember, it is used for closed circuit. Closed circuit, that means we'll call it a loop. So that's why its another name is loop law. Okay, why it is called loop law? Because it is valid for a closed circuit. So I'll just write because used for closed circuits. Okay, then second name is potential law. So potential or voltage. Okay, potential and voltage law, of course. First law में current के बारे में बताया, second law में potential से related बातें करनी है, इसलिए इसका name potential law ही भी रहता है. Third one is ये जो बेस्ड होता है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है. फर्स्ट वन किस पे बेस्ड था? चार्ज कंजर्वेशन पे, कि चार्ज कंजर्व रहता है. ये बेस्ड होता है कि यार एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं होती है. सो इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन. सो इट इज बेस्ड
on energy conservation. Okay, so जो statement है वो statement पहले हम देख लेते हैं और फिर हम properly solving check करेंगे कि use क्या है इसका. उसका statement देखते हैं क्या कि अगर हम कोई एक क्लोज लूप बना लेते हैं और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं. लेट्स से क्लोज लूप में मैंने एक बैटरी लगा दी, हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, एक और बैटरी लगा दी. लेट्स से एक और बैटरी लगा दी, फिर एक और रेजिस्टर लगा दिया, उसके पास एक और रेजिस्टर लगा दिया. मतलब लाइकवाइज एक डिफरेंट कुछ भी रैंडम सामने ले लिया, बट इट इज क्लोज. सो द गुड थिंग इज इट इज क्लोज्ड, ठीक है, और वी कॉल इट अ सिंगल लूप. इट इज अ सिंगल लूप. So, because it is closed, so as per the Kirchhoff statement that algebraic summation of, sorry, in a closed loop statement starts with like this. In a closed loop, the net potential drop across all the elements is zero. मतलब net potential drop zero है. इसका meaning क्या है? इसका simple meaning ये है कि अगर एक का drop होगा, अगर एक का drop होगा तो दूसरे का क्या होगा? Gain होगा. इसलिए उसने ये word use किया हुआ है कि जो net होगा वो हमेशा zero होगा. अगर 10 volt drop हुआ तो इसका मतलब gain भी कितना होगा? 10 volt होगा. क्यों? Because energy is conserved, जो potential energy देने वाला है हमें उतना ही वो statement होना चाहिए. जितना drop होगा उतना ही gain होगा, यही इसका statement है. जितना drop उतना gain. So I'll just use a equal sign here. जितना drop होगा उतना ही gain होने वाला है. Yeah. सर यानी जितना potential batteries देंगी उतना potential drop resistance carry करेंगे. Exactly. तो जितना पोटेंशियल टोटल बैटरी करके देंगी उतना ही पोटेंशियल रेजिस्टर लोग मिलके लेने वाले हैं. और एक सिंपल वर्ड में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड में इसे लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल लॉसेस इज जीरो. सो इट इज आल्सो रिटन एज एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल is zero. ठीक है, मतलब कि उसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे summation of all V id zero. इसमें positive वाला भी आएगा, negative वाला भी आएगा, वो हम देख लेंगे. ठीक है, तो अभी हम कैसे solve करेंगे? हम इसे single loop में directly solve करेंगे. Example wise हम इस चीज को देखेंगे. ठीक है, तो मैं इसको एक example wise आपको represent करूंगा और आपको clear हो जाएगा कैसे. In a loop, in a single loop, in a single loop क्या हो जाएगा, V given by battery. So given by battery, अब ये जो V given by battery है वो ही क्या होने वाला है, is used by resistor. So V is equal to used by resistors. अच्छा, अभी खास बात ये है कि बैटरी का तो हम V net लिख देंगे, बैटरीज का वी नेट लिख देंगे, बट ये बताओ रेजिस्टर पोटेंशियल कैसे कैरी करता है? रेजिस्टर के लिए वी कैसे लिखते हैं? आई इंटू आर से. रिमेम्बर, रेजिस्टेंस के लिए वी कैसे लिखते हैं? आई इंटू आर से. सो अगर वी नेट हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे आई इंटू आर टोटल. क्लियर? So, इस तरीके से हम ये चीजें लिख सकते हैं. क्लियर? तो क्वेश्चन R total यानी R equivalent, या R total मतलब R equivalent. ओके, तो एक सिंगल लूप की बात हो रही है. मैं एक एग्जांपल देता हूं और आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे. लेट्स सी.
ओके सो ये हमारा क्वेश्चन है. सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखिए, मैंने एक लास्ट में रेजिस्टर और ऐड किया हुआ है. बताओ मैंने ये क्या समझाने के लिए रेजिस्टर ऐड किया हुआ है? एनीवन आंसर? सर की ओपन सर्किट वाले जो रेजिस्टर है उन्हें काउंट नहीं करते. ओके गुड. सो देयर इज नो यूज ऑफ 40 ओम रेजिस्टर बिकॉज इट इज ओपन. ओके गुड. बिकॉज इट्स ओपन. ठीक है, बाकी के लिए सॉल्व करें. करंट फाइंड करें. हाउ द करंट इज विद साइन, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? ओके सॉल्व इट. सर वो 8 वोल्ट वाली जो बैटरी है उसके शायद टर्मिनल्स उल्टे हो गए. यार ये थोड़ा सा आपको अब गेस करके करना है. ठीक है, सारे लोग एक बार ट्राई करें. वी नेट हाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस ओनली. ओके ट्राई टू फाइंड द आंसर इन द चैट बॉक्स, देन वी विल सी. सर आई फाइंड करना है ना? या करंट फाइंड करना विद डायरेक्शन इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. यू नीड टू आंसर इन द चैट बॉक्स. Harshvardhan, it's not correct. Why you have given so many answers? Okay. Astha is still not correct. Sir, can we answer in fraction? Yeah, of course. The answer might be in fraction also. No problem. Okay, Harshvardhan, now it's correct. Manav, it's not correct still. Pranjal, it's not correct. Shai Prasad, it's not correct. Tanmay, it's not correct. Yeah, you need to use a common sense about the battery. Of course, nobody has watched that lecture. That's why you are not able to use the battery concept. Just feel about the batteries. Just give a start. Let's see then. Prathamesh, not corrected. Yeah, only Harshvardhan has got the answer yet. Yeah, aapko thoda sa common sense lagana hai, about V total likhna hai. Theek hai, main batau kya V total hai. Thoda ek bar aur try karein. Let's give one more try. V total find karna hai. How the batteries are looking? Just try to find how the batteries look. If I make them straight, it will feel something like ये battery 10 volt है, then this 8 volt is opposite, then this 14 volt is like this. इस type में batteries हैं. देखो अब ये मैंने आपके सामने draw कर दिया, ये 10 volt है, ये 8 volt है और ये 14 volt है. बताओ VNET कैसा हो जाएगा? 16 volt. Yeah, it will be 16 ना. Because this middle one is opposite, so it will be 10 minus 8 plus 14. So the answer will be 16 volt, and it will look like the similar battery as this one. So feel about this.
how this battery will flow the current. It will flow in this direction, na, current. Okay, so basically the direction of current will be clockwise. Are you getting it from these batteries? How we can predict the current is flowing clockwise? सबको ये समझ आया यार बैटरी वाला? किसी को डाउट हो तो बताओ. हाउ वी कंक्लूडेड दैट द नेट वोल्टेज विल बी 16 वोल्ट बिकॉज दिस बैटरी वॉज अपोजिट डायरेक्शन सो वी कंसिडर्ड इट एज पॉजिटिव सो दिस इज इनवर्स सो इट इज नेगेटिव एंड दिस इज एग्जैक्टली सपोर्टिंग एज द प्रीवियस वन दैट्स व्हाई दिस विल बी पॉजिटिव सो इस तरीके से तीनों को ऐड किया एंड द आंसर केम पॉजिटिव विच मीन्स दिस वन So it means the final battery should look like this one only. So to solve करके answer negative आ जाता है. क्या होता? इसका मतलब ये होता कि battery is like this. Okay? Yes. So now we have V total. It is 16 volt. We need R total. So R total is how much is R total? 1025. So 5 plus 15 plus 10 plus 30. So it is 60 ohm. So the final answer of current is very clear and very simple also. I is 16 by 60. So it is 4 by 15. Sir, batao, bahut variety of answers aap log kya hai. Batao, kya mistake kiya apne? Maine, sir, maine addition and na 60 ki jagah 50 le liya. Are yaar, itna छोटी सी गलती करोगे अरे यार v is equal to i r don't forget this so i is v by r okay let's see the direction of current will be clockwise i guess Kirchhoff's laws are okay किसी को Kirchhoff's law में कोई टेंशन है कुछ भी दिक्कत है Kirchhoff's law okay yeah सर अभी ये फिगर में हम मतलब जहाँ पे भी हम अगर ये वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्टेज जीरो आएगा क्या मतलब 10 8 या 14 आएगा ओके यू हैव द करंट सो यू हैव द करंट अभी डिपेंड करेगा कि किसके अबाउट आपको वोल्टेज लगाना है ठीक है सपोज मैं पोटेंशियोमीटर लगा रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट और इस पॉइंट के अबाउट इज इट ओके चलेगा ये So the reading will be how much? Number one, एक resistor consume करेगा I into R जितनी reading and there is one battery. Sorry, it's like this. Clear? So the potential reading will be of these two points. Okay? अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार. So थोड़ा सा potential के बारे में हम एक बार और सीख लेते हैं because this is of course the options answers different type of question can be there. So, ये भी पूछा जा सकता है तो डिस्कस करते हैं अभी वो तो किरचॉफ्स लॉ में ओके ना विल डिस्कस दिस वन सर सिक्स आएगा सिक्स आएगा क्या चीज व्हाट इज सिक्स सिक्स वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओके सिक्स वोल्ट नॉट एग्जैक्टली थोड़ा डिपेंड करेगा ठीक है एक्चुअली प्रोसेस वाइज डिपेंड करेगा सिक्स वोल्ट नहीं आएगा ओके सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे चेक करते हैं पोटेंशियल सो पहले ये बताओ किरचॉफ्स ओके है किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ओके है ओके ओके हाँ सो अभी हम देख लेते हैं जो अभी डिस्कस करना चाह रहे थे क्या पोटेंशियल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं किसी भी ब्रांच में या किसी भी पॉइंट्स के अबाउट पोटेंशियल कैलकुलेशन ऑलराइट पोटेंशियल ओके पोटेंशियल कैलकुलेशन के लिए हमें थोड़ी सी की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आप लोगों को एक की कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा देखें क्या कॉन्सेप्ट्स आर नंबर वन सपोज एक पॉइंट है और ये बैटरी है ये 10 वोल्ट की बैटरी है सो व्हाट डू वी मीन बाय 10 वोल्ट एग्जैक्टली दैट दिस बैटरी विल क्रिएट अ 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का अगर मैं पोटेंशियल माइनस करूं सो द आंसर शुड बी 10 वोल्ट
क्लियर। सो 10 वोल्ट बैटरी का मीन होता है कि VAB विल बी 10 वोल्ट, ये मीनिंग होता है 10 वोल्ट बैटरी का। बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये जो प्लस है दिस शोज हायर पोटेंशियल एंड माइनस शोज लोअर पोटेंशियल। फेल राइट प्लस दिस रिप्रेजेंट्स हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेज एंड माइनस शोज लोअर टर्मिनल, सो लोअर पोटेंशियल लोअर वोल्टेज। ओके सो इसका मतलब इफ आई आस्क यू दिस दैट वी ए माइनस वी बी हाउ मच इट विल बी, इट विल बी प्लस 10 और माइनस 10? Plus 10, very good. If I ask you VB minus VA, how much it will be? Minus 10. So that is the logic. कि आपको क्या करना पड़ेगा कि बैटरी के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, if it is connected to the plus 1 मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, higher होगा। But exam में क्या होता है, बहुत सारी batteries आ जाती हैं और फिर resistor भी आ जाता है, तो थोड़ा सा identification में tough होता है। So हम पता है क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेट्स से वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। सो अगर हम ए टू बी पे डिफरेंस लिखना चाहते हैं, फ्रॉम ए टू बी डिफरेंस हम फाइंड करना चाहते हैं, सो वी यूज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, क्या, इफ यू मूव फ्रॉम ए टू बी, इफ यू मूव फ्रॉम ए टू बी एंड इफ यू फाइंड प्लस प्लेट फर्स्ट, सो देन कीप द साइन ऑफ प्लस। सो आई एक्सप्लेन व्हाट आई एम सेइंग, it is if we want to write va minus vb means we are moving from a to b, so I'll say from a to b, clear, so whichever sign of the plate comes first is the sign of our potential difference, so if we want to write va minus vb, the sign of first plate first we keep the sign of first plate and potential of the battery, so potential of battery। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इतनी छोटी सी चीज इतना लिख के क्यों बता रहे हैं, बिकॉज अभी मैं जब आगे आपको क्वेश्चंस दूंगा, बहुत सारे जब क्वेश्चंस होंगे, बहुत बड़ा सर्किट होगा, तो आपको ऐसे चूज करना बहुत टफ होगा, तो उसके जगह पे हम एक थंब रूल बना लेते हैं सीधे। थंब रूल क्या होता है, थंब रूल सीधा डायरेक्टली काम आ जाता है। थंब रूल मतलब हमने डायरेक्टली ये बना लिया कि अगर हम वी ए माइनस वी बी लिख रहे हैं, सो जो प्लेट पहले मिल जाएगी उसका वाला साइन रख देंगे हम। इसका मतलब इफ आई ड्रॉ समथिंग, so if there is a battery, there is a resistance and again there is a battery like that, okay, so suppose ye jo resistor hai iska potential hai v1, iska hai v2, iska hai v3, iska hai v4, clear, and we want to write va and vb, so what is the pattern here, if we are writing va minus vb then we'll count all the batteries, so we are moving from a to b, which plate comes first, positive, so that means plus v2 will be there, and then again while moving further there will be a negative plate, so this will give minus v4. is it okay to everyone, ye jo maine abhi explain kiya hua hai? Yes sir. Yes. Okay, good, to ye cheez aapko yaad rakhna hai, abhi point kya hai, ye v1 aur v3 ka bhi sign aayega, of course aayega, so next hai hum resistor ko kaise dekhenge, wo cheez hame discuss karna hai. So for now, I'll just remove these resistors so that there is no doubt considering it. Okay, let's say for now V2 and V4 were there. So battery के लिए किसी को कुछ doubt है क्या? नहीं, जो sign पहले मिलेगा उसी को हम लिख देंगे, done. Now, second one, what happens with the resistor? Suppose resistor is there. And we want to write from A to B. So देखो यार, VA minus VB में आप डायरेक्ट ऐसे R तो लिख नहीं दोगे, लिख तो हम पोटेंशियल रहे हैं, that means क्या लिखेंगे, I into R लिखना होगा, so VA minus VB ये तो कन्फर्म हो गया कि I into R लिखना होगा। पैटर्न ये है
पैटर्न ये है, सपोज द करंट इज इन दिस डायरेक्शन, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये बताओ रेजिस्टेंस में लॉस होगा या नहीं, बिकॉज करंट डायरेक्ट, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस विल लूज कॉज लॉस ऑफ पोटेंशियल, ये जो रेजिस्टेंस है ये काफी लॉस कराएगा, इसका मतलब वी बी क्या हो जाएगा, विल बी लेस देन वी ए, बिकॉज पोटेंशियल इज लॉस्ट अक्रॉस आर। तो सोचो वी के पास एक पोटेंशियल था, आई आर करके लॉस हो गया और बचा कितना वी बी, तो इसका मतलब अगर हम वी ए माइनस वी बी करेंगे तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आई आर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बना लेंगे, हम एक थंब रूल बना लेंगे, थंब रूल क्या है, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो आई विल जस्ट राइट द थंब रूल, जो चीज मैंने यहां पर लिखी है, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट देन while writing potential difference suppose a to b m current ke direction mein move kar rahe hain, then va minus vb will be positive, so ye cheez hum samjhana cha rahe the ki agar hum potential difference likh rahe hain, we are moving in the direction of current, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कैसे लिखेंगे उसे, आई इंटू आर करके लिखेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, मतलब एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज क्वेश्चन ये है, ये रेजिस्टर है एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए लाइक दिस एंड वी वॉन्ट टू राइट वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, देन वॉट शुड इट बी, नेगेटिव आई आर माइनस आई आर, ओके, नाउ इज इट क्लियर टू एवरी वन हाउ वी कैन यूज द पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, ओके, सो आई आई विल गिव दैट एग्जाम्पल विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अर्लियर, आई एक्सप्लेन दिस वन, देर इज अ रेजिस्टर, देर इज अ बैटरी, देर इज अ रेजिस्टर, देर इज अ, लेट्स से अगेन वन मोर बैटरी इज देयर, वन मोर रेजिस्टर इज देयर, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, एंड सम हाउ इट इज गिवन दैट करंट, current is moving towards the B, I is equal to, let's say 2 ampere. We have resistor as 10 ohm, 5 ohm, 3 ohm. Okay, and we have the batteries as this one, 20 volt, now let's say 15 volt, and this one is, let's say 4 volt. ठीक है, ये given है. Then, now we need to find the potential difference between A and B. Okay, the question is asked, find VA minus VB. Now, as this is a first question, so I'll explain, everyone will listen. Okay, so let's listen this. We want to find VA minus VB. First thing, so we are moving in the direction of current. The thing is from A to B. So from A to B. So the good thing is we are moving in the direction of current. So इसका मतलब रजिस्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, yes. Yeah. So we can just write now VA minus VB. So I'll write everything now. रेजिस्टर को कैसे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, इट विल बी आई इनटू आर, दैट इज 10 ओम, डन। नाउ व्हाट अबाउट द बैटरी, बैटरी को कैसे जज करते हैं, व्हिच प्लेट कम्स फर्स्ट, सो द पॉजिटिव प्लेट अपीयर्स फर्स्ट, यू विल राइट प्लस 15, देन
again there is a resistor, of course the current is still same in this resistor, so it will be I into 5. Then what sign comes now? Negative of the battery comes first, so it will be minus 4, and again it will be I into 3. Now we'll reach to the point B. So your answer ho gaya, I kitna hai 2, so it will be 20 plus 15 plus 5 into 2, 10, minus 4, plus 3 into 2, 6. Okay. How much it will be? 20, 30, 35, and 4 minus 6, 6, 12. So 47. Okay. So 47 yes. Volts. Is it clear to everyone now? Just have a look at this question. Is it okay? Yes, sir. Okay. So let's see that example then. Okay. The previous earlier we were asking. So somebody asked and I explained ki iska potential kitna ho jayega. Where is this? Yeah. So let's copy. Okay. So I have this question, or just I'll give another example. Okay. Don't worry. I'll give a different example. So you need to solve this question, everyone, and answer in the chat box. Okay, so I'll just give a hint. In the previous question, we had this current. The current was given in the question, but in this question, you can use the Kirchhoff first law, second law to find the current first. To first find the current, and then you can use the formula VA minus VB. Done? So if you keep the value of VA here, you will find the VB. So try to write VA minus VB, but before that, try to find the current, and then we'll proceed. So first, everyone need to answer the current. What is the current in the circuit with the direction? If the direction is wrong, it will be wrong. Answer in the chat box only. Okay. Okay, good, Harshvardhan. The current is correct. Now you can proceed to find the potential at B. Okay. Yeah, very good, Sai Prasad. Current is okay. So
Pranjal, you also answer the current also. Don't just answer the potential only. Archit, it's not correct. Check again. Astha, it's not correct yet. यार प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान दो, हमें करंट फाइंड करने के लिए वी टोटल चाहिए होगा, वी टोटल, उसके लिए बैटरीज अच्छे से ड्रॉ करो ना. व्हाई एवरीवन इज नॉट ड्रॉइंग द बैटरीज प्रॉपरली? इफ आई ड्रॉ दिस बैटरीज प्रॉपरली, लेट्स स्टार्ट विद द 20 वोल्ट. सो दिस इज लेट्स से 20 वोल्ट. इसके बाद देखो यार ऐसे ड्रॉ करते, 20 वोल्ट ड्रॉ किए फिर पीछे आओ. लेट्स सी दिस बैटरी इज इन रिवर्स फॉर्मेट एज कम्पेयर टू 20 वोल्ट. Then again, if you go, this battery is also in reverse format. So again, it is in reverse format. So like that, you should think. Yeah, it's incorrect. Tanmay, it's incorrect. Yeah, Mano, now it's correct. I need the answer in clockwise anti-clockwise direction, not negative this or positive this. First, everyone need to find the V total. Okay, achha, ek minute. Okay, now stop solving everyone. Let me explain how to find the V total again. Everyone listen up. Let me explain how to find the V total. Dekho yaar, ye 20 volt ki battery, how this will flow the current? Current kahan se start hoti hai? बैटरी के प्लस टर्मिनल से स्टार्ट होती है करंट. सो दैट्स हाउ द करंट फ्लोस फ्रॉम प्लस. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन 20 वोल्ट विल गिव अ करंट इन दिस डायरेक्शन, डन. बट दिस 10 वोल्ट विल गिव इन दिस डायरेक्शन, सो 10 वोल्ट विल अपोज दिस 20 वोल्ट ना. द सेम इज गोइंग टू हैपन विद 2. 2 विल गिव अ करंट इन दिस डायरेक्शन इन क्लॉकवाइज. ओके, दिस इज अ क्लॉकवाइज पैटर्न. So that's why they will oppose. So I should have even written just directly like that. मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यार, 20 वोल्ट जो है वो किस तरीके की करंट देगा? 20 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से करंट देगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट. ओके, फिर 10 वोल्ट कैसी करंट देगा? 10 वोल्ट दे रहा है क्लॉकवाइज वाली फीलिंग. सो सब लोग को देखना है यार स्क्रीन में, 10 वोल्ट बैटरी प्लस से करंट निकलती है ना, तो इस तरीके से निकलेगी. सो 10 वोल्ट बैटरी विल गिव क्लॉकवाइज करंट. नाउ अगेन 2 वोल्ट, सो 2 वोल्ट की बैटरी भी प्लस से ऐसे निकलेगी ना, मतलब ये भी तो क्लॉकवाइज करंट ही देने वाला है. सो इसका मतलब 2 वोल्ट भी क्या करने वाला है? क्लॉकवाइज करंट देने वाला है. सो अभी देख लो प्रॉपरली क्लियर हो रहा है वी टोटल की. लेट्स से किसी एक को प्लस मानो और बाकी को नेगेटिव, सो हाउ मच विल रिमेन? टोटल कितना आ जाएगा? टोटल विल बी 8 वोल्ट. हाउ? 20 वाला जीत गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला हाईएस्ट होगा. 8 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज करंट. सो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस चीज को जज करके सॉल्व करके देखना रहेगा. सर आंसर आपको चैट में भेजा, एक बार चेक कर लें. ओके, ओके, तो यार ये फिगर में देख लेते हैं कि अभी पहले 8 क्लॉकवाइज हमें पूछा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है हमारे पास, ठीक है. सो इसका मतलब हमें पता चला कि 8 वोल्ट बैटरी डोमिनेट कर गई एंड द फाइनल आंसर ऑफ करंट इज लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज करंट. सो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज जब वी ए माइनस वी आई वी भी लिखेंगे ना, तब देखना पड़ेगा ना करंट किस डायरेक्शन में. इधर वी आर मूविंग अकॉर्डिंग टू द करंट और अपोजिट टू द करंट. नाउ हाउ टू फाइंड द करंट? इट इज वेरी सिंपल, इट इज वी टोटल बाई आर टोटल. फ्रॉम अ सिंगल लूप वी टोटल इज हाउ मच? ऑलरेडी सॉल्व, इट इज 8 वोल्ट एंड आर टोटल इज 40. So it will be 1/5 ampere.
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रही है। अब हमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हुए हैं, सब लोग यार क्वेश्चन देखो, पहले हमें पूछा हुआ है ए का वोल्टेज दिया और बी का पूछा है, मतलब हमें पहले क्या सॉल्व करना है, वी ए बी सॉल्व करना है। सो वी नीड टू ड्रॉ दिस वी ए बी फर्स्ट। सो देखें वी ए बी पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, एक बैटरी है, एक रेजिस्टर है, एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। नाउ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इज इन विच डायरेक्शन, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 20 वोल्ट है और ये रेजिस्टर कितना, 15 ओम है। अभी सॉल्व कर लो, याद है कैसे लिखते हैं, वी ए माइनस वी बी, ए टू बी मूव करेंगे, पहले क्या मिली बैटरी, बैटरी का कौन सा साइन पहले मिल रहा है, प्लस, सो मतलब प्लस 20, देन वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, सो आई विल यूज माइनस। सब लोग फिर से सुन ले, वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस आई, आई इज 1/5 इंटू आर इज 15। सो ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए, तो मैं पहले लिख देता हूँ, इट विल बी माइनस आई इंटू आर, सो इट इज प्लस 20, माइनस आई इज 1/5 इंटू आर इज 15। नाउ वी ए इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी ए वॉज 30, सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी ए इज 30 माइनस वी बी, सो इट इज 30 माइनस वी बी इज इक्वल टू 3, so it is 17, so VB will be 30 minus 17, so the answer will be 13, so Harshvardhan, was your answer correct, VB is 13 volt, yes sir, okay good, so इस तरीके से यार approach कर सकते हैं यार, मतलब अब इतना तो करना ही पड़ेगा, अभी step के एकदम clear समझा दिया हुआ है क्या, जो plate पहले मिलेगी उसका sign रखना है, और अगर current के direction में ही move हो रहे हैं हम भी, सो पॉजिटिव, अगर करंट के अपोजिट मूव हो रहे हैं सो नेगेटिव यूज करेंगे। सो लेट्स सी दिस पार्ट, वी बी माइनस वी सी, वी नीड टू राइट वी बी माइनस वी सी, सो आई विल ड्रॉ, और किसी को कुछ डाउट हो तो बता देगा वी बी माइनस वी सी वाले पार्ट में। सो आई विल ड्रॉ दिस ब्रांच, एक रेजिस्टर है और एक 2 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज सी, दिस इज बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट किस डायरेक्शन में है, सो करंट वॉज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट कैसे इस वायर में है, इस डायरेक्शन में है करंट, सो मतलब वी आर गोइंग टू मूव अपोजिट डायरेक्शन ना, हमें क्या लिखना है, वी बी माइनस वी सी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो क्या करेंगे, पहले रेजिस्टर लेंगे, बिकॉज वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, सो मतलब माइनस आई आर, देन अगेन बैटरी का पहले कौन सा साइन मिला, माइनस साइन मिला, मतलब नेगेटिव ऑफ बैटरी, सो द आंसर विल बी आई कितना है, 1/5 इनटू आर कितना, ये वाला 10, सो दिस आर इज 10 माइनस वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट बैटरी है, सो 5/5 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 4 वोल्ट। तो अभी बताओ किसको इसमें डाउट है, कैसे हम निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, जल्दी चेक करें, एनी डाउट, पक्का सबको समझ में आ गया, दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, बैटरी का कौन सा प्लेट पहले मिलने वाला है और करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट चल रहे हैं उसके, बस अब हम वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अदरवाइज आप पहले पूछ लो, कुछ डाउट हो तो बताओ, क्या चीज नहीं समझ में आया वो पूछो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर लास्ट का समझाना, वीबी माइनस वीसी। ओके, सो आप पहले ये बताओ कि करंट कैसे चल रही थी इस लूप में, याद है एंटी क्लॉकवाइज थी। हाँ सर। और इसका मतलब ये कि अगर मैं किसी भी वायर में चेक करूंगा तो इस वायर में इस तरीके से दिखेगी, ये वाले वायर में इस तरीके से दिखेगी, डन। हाँ। हमें क्वेश्चन में चाहिए VB माइनस VC, मतलब वी हैव टू मूव फ्रॉम अपोजिट टू द करंट ना। हाँ। ओके, सो वी आर मूविंग फ्रॉम B टू C, सो दैट मींस वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट, सो रिमेम्बर अगर अपोजिट टू द करंट है तो IR वाला क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, एंड बैटरी में पहले बैटरी की हमें नेगेटिव प्लेट मिली, सो हम नेगेटिव वाला पोटेंशियल यूज करते हैं, इज इट ओके नाउ। हाँ सर। यानी बी से सी जाते हुए नेगेटिव करंट अपोजिट फ्लो हो रही थी, तो फिर हमने नेगेटिव लिया,
नेगेटिव आई आर लिया बिकॉज करंट वॉज अपोजिट. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज वी वर मूविंग अपोजिट टू करंट. सो वी वर मूविंग अपोजिट टू द करंट, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया. मतलब एक्चुअली नेगेटिव वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रीजन है कि वाई दिस इज नेगेटिव. नाउ वाई दिस इज नेगेटिव, बिकॉज द नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम बी टू सी द नेगेटिव प्लेट कम्स फर्स्ट. द नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी कम्स फर्स्ट. समझ आया? ओके. तो मुझे लगता नहीं कि इसमें भी डाउट होना चाहिए. अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल आस्क दैट क्वेश्चन द प्रीवियसली सॉल्व्ड. ओके नाउ आंसर. द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस दीज टू, व्हाट विल बी द रीडिंग? नाउ फॉर दैट वी नीड द करंट. द करंट इज 4/15 इन क्लॉकवाइज. सो करंट इज 4/15 इन क्लॉकवाइज. नाउ सॉल्व. From which point to which point? The voltmeter is connected, na? We want the reading of voltmeter. Okay, so you, of course, you will not be able to say plus or minus. Okay? So yes. I'll just use plus or minus. You need to just answer the reading. और जस्ट लेट से अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं और इस पॉइंट को बी बोल दूं, सो आई एम आस्किंग वी ए माइनस वी बी. ओके गुड. तो क्या आंसर हो जाएगा देख लेते हैं एक बार. या गुड. सो ओके इट्स ओके. नाउ स्टॉप आंसरिंग. लेट्स सी कैसे कर सकते हैं. वी ए माइनस वी बी देखना है. सो वी विल मूव फ्रॉम ए टू बी. सो वी आर मूविंग अपोजिट टू द करंट. रिमेंबर द करंट, सॉरी करंट इज क्लॉक वाइज. दैट मीन्स वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस आई आर हो जाएगा. देन बैटरी का कौन सा साइन हमें मिलेगा, पहले नेगेटिव मिलेगी. सो इट विल बी माइनस वी. सो द आंसर विल बी 4/15 इंटू 30. सो इट इज 30 इंटू 28 minus 14. So answer will be minus 6. So if I solve for VA minus VB, the answer will be minus 6 volt. Or question kai baar is tarike se de deta hai that VA is 20 volt. Then find VB. 26. So it will be minus is taraf aa jayega 26. So is it clear now to everyone? सर आपने बोला था कि जो वोल्ट मीटर का वो प्लस माइनस होगा, फिर वो कैसे निकालेंगे? वो वोल्ट मीटर में डिफरेंट टाइप के वोल्ट मीटर आते हैं. एक आता है जो सिर्फ सिंपल वोल्टेज बताता है, एक जो आता है प्लस और माइनस दोनों तरफ दिया होता है. सो उसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे? सोचो आपने उसको उसका प्लस ए से कनेक्ट किया माइनस ए से, और अगर अभी भी वो प्लस रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ए वाला ज्यादा है और बी वाला कम है. और अगर वो नेगेटिव रेटिंग दे रहा है, इसका मतलब ए वाला कम है और बी वाला ज्यादा है. ओके ओके. देन आई गेस आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारी चीजें पावर एंड एवरीथिंग विल स्टडी देन. सर ओके सर. या सर टेस्ट में क्या खास, मतलब पूरा चैप्टर आएगा ना? टेस्ट अभी कहाँ है, अभी तो दूर है ना टेस्ट. सर नेक्स्ट वीक है. नेक्स्ट संडे. नेक्स्ट संडे है क्या? हां नेक्स्ट मंडे होगा ना. सो नहीं सर, मंडे मंडे नेक्स्ट मंडे. द टेस्ट इज मंडे. सो इट विल कवर द होल सिलेबस. ओके सर. ओके सर, यानी तब तक कंप्लीट हो जाएगा ना चैप्टर? हां तब तक कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके सर, कितने टॉपिक्स बाकी है?
अभी तो टॉपिक्स फोर टॉपिक्स हैं, अभी तो जस्ट फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, करंट मतलब चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक एक ही बाकी है पावर एंड हीट. ओके ओके एंड फॉर टुडेज केमिस्ट्री टेस्ट ऑल्सो यू नीड टू अटेम्प्ट दैट इन द दैट लिंक आई विल बी पोस्टिंग. ओके through okay. that link you will attempt and everyone use the Chrome browser to attempt the test, don't use the Microsoft Edge. Okay yes. Okay everyone then, bye-bye. Bye bye everyone. Bye sir. Bye-bye. Bye sir. Bye-bye. Bye sir.